स्वर्ण मारी जी का। एक पहुंचे हुए संत ने किसी गांव में धुनी रमाई, उसके दर्शनों को सारा इलाका उमड़ पड़ा। एक जाए और 21 आए, भक्तों का तांता लग गया। इस भीड़ में एक भगत निराला निकला। वह आते ही हाथ जोड़कर एक पांव पर खड़ा हो गया और एक पखवाड़े तक बुद्ध की तरह खड़ा रहा। ना कुछ मांगा ना कुछ बोला। महात्मा ने खुश होकर कहा, बच्चा तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मोक्ष चाहता है या जीते जी स्वर्ग जाना चाहता है? भगत उसी तरह अविचल खड़ा रहा, ना आंख खोली ना होंठ। मुंह पर पानी मारने से उसकी समाधि टूटी। वह बोला, पहले वचन दे तो मांगो। मेरे मुंह से निकली बात को तू वचन समझ और निसंकोच बता कि तू क्या चाहता है। उनके चरणों में शीश नवाकर वह कहने लगा, ना मुझे स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष, मैं इसी जन्म में जीने का मजा लूटना चाहता हूं। बेसुमार सोने की कामना है, वह पूरी करे। यह सुनकर महात्मा जी को धक्का लगा, पर अपने वचन से कैसे फिरे? पैसों के लिए गृहस्थियों की तपस्या उसकी भक्ति से किसी तरह कम नहीं। पैसे जोड़ने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। पैसों को प्राणों से अधिक चाहते हैं। उन्होंने पूछा, पगले ऐसी भक्ति से तो भगवान भी वश में आ जाते हैं, इसलिए थोड़े से सोने के लिए क्यों अपनी भक्ति बेकार गंवा रहा है? आप नहीं समझेंगे, सारी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करके भी सोने की एक डली ना पा सकूंगा, फिर एक पखवाड़े की क्या बिसात। सोने के पहाड़ हाथ लगे तो मैं 1000 वर्षों तक फकत उंगलियों पर खड़ा रह जाऊं। भगवान और सोने में से मैं सोने को ही चुनूंगा। मुझे तो लगता है कि भगवान भी सोने के ही पीले स्वप्न देखते होंगे। उससे उलझना बेकार समझकर महात्मा ने जटा से पारस निकाला, बोले, वचनों से बंधा हूं, तेरी कामना पूरी करनी ही पड़ेगी। तूने एक पखवाड़े तक तपस्या की, सो तुझे एक पखवाड़े का समय देता हूं। यह पारस है, इसके परस से लोहा भी सोना बन जाता है, पर एक बार से अधिक तू इसे काम में नहीं ले सकेगा। जितना सोना इकट्ठा करना हो कर लेना, इसे दूसरी बार काम में लिया तो पहले वाला सोना भी मिट्टी बन जाएगा। जी भरकर सोना इकट्ठा कर ले, अब तो ठीक। पारस देते हुए उन्होंने ताकीद की, पखवाड़ा बीतते ही मैं पारस लेने आ जाऊंगा, एक पल भी और नहीं मिलेगा। पारस मिलते ही भगत वहां से बेतहाशा भाग सीधे अपने घर पहुंचा। सोचने लगा, ज्यों ज्यों हाथ लगता त्यों त्यों सोना बनता जाता तो ठीक रहता। कितने अफसोस की बात है कि आज घर में ज्यादा लोहा भी नहीं है। तवा, चिमटा, संडासी, छलनी, छुरी, कड़ाही, कैंची, कुंडी, साकल, ताला और चाबी, इतने से क्या होगा? जब लोहे की सीमा नहीं होती तो सोने की क्यों रहे? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा घर का लोहा तो काफी है, तू अपार लोहे का लालच मत कर, घर की चीज को तू कम मत समझ। एक दफा इतने सोने को देख लूं तो मुक्ति हो जाए। मेरा कहा मान, देर मत कर, इस पारस को अभी बरत ले। सहसा बूढ़ा उछल पड़ा, बगले बजाते हुए बोला, तुम लोग बिल्कुल गधे हो, झोपड़ी में दो कुल्हाड़ियां, हथौड़ा, हल्का फाल, हसिया, दो फावड़े, 3 कुदाले और 2 हलबानियां भी पड़ी है, मौके पर तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। बताओ अब और क्या चाहिए? इतना सोना होने पर तो हमेशा सोने के गुलगुले खाएं तो भी सोना खत्म ना हो। चल पहले हल्के फाल से परस कर आजमा लें। उसे संत की बात पर पूरा यकीन था, वह घर वालों की तरह बावला नहीं था।
एक बार आजमाने के बाद पारस बेकार हो जाएगा। उसने पारस को अंटी में खोंस लिया। वह एक बनिए के पास गया। बनिए को उसकी बात पर पूरा विश्वास हो गया। सोने में उसका आधा हिस्सा भी तय हो गया। उसने फौरन अपने मुनीम को 21 गाड़ी लोहा लेने के लिए रवाना कर दिया। भगत का मन 21 गाड़ियों से नहीं भरा। उसने सेठ को समझाने की बहुत चेष्टा की, पर वह नहीं माना। वह बोला, वरदान फल गया तो यह 21 गाड़ियां ही 20 पीढ़ियों के लिए बहुत है। कहीं तो आदमी को संतोष करना चाहिए। उसका जी बहुत कसमस आया। उसे देखकर बनिया कहने लगा, हाथ आया टका स्वप्न के अपार खजाने से बड़ा होता है। फिजूल दुखी होने से क्या फायदा। ना बनिया माना ना भगत समझा। 10वें दिन उसकी घरवाली ने कहा, तुम्हारी ये 21 गाड़ियां राम जाने कब आएंगी। तब तक इस तवे पर पारस का चमत्कार तो देखें। ऐसा ना हो कि सोना बने ही नहीं। मैं हर रात स्वप्न में अपने गले में चंद्रहार बंधा देखती हूं। इस तवे से तो काफी बड़ा चंद्रहार बन जाएगा। यह कैसे हो सकता है। मैंने महात्मा के ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि एक बार भी विश्वास ही ना हो। अरे पारस का परस होते ही लोहा सोना ना बने तो कहना। पखवाड़े के आखिरी दिन जैसे सबके सिर पर ज्वार आ गया। खुद उसकी हालत खस्ता हो गई। अगर पारस बरतते ही गाड़ियां आ गई तो। अगर गाड़ियों के भरोसे यह पारस धरा का धरा रह गया तो सारे स्वप्न ढह जाएंगे। बुरे फंसे, कहीं और कोई राह नजर नहीं आती है। बनिए के पागल होने में कोई कसर बाकी ना रही। वह गिड़गिड़ाने लगा, कितना पैसा इन 21 गाड़ियों में डूब गया। इस लोहे से क्या सिर फोड़ूंगा। कोई अनहोनी हो गई लगती है। शायद गाड़ियां वक्त पर ना आ सके। इन्हें भूलकर पास के लोहे का सोना बना लें। तुम्हें यह कम लगता है। मुझ पर यकीन करो कि मैं कारोबार से इस सोने को 1000 गुना कर लूंगा। देखो वक्त निकला जा रहा है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। भगत बोला, जरा सोचो तो, अगर ऐन वक्त पर गाड़ियां आ गई तो कैसा लगेगा। अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो मैं महात्मा से थोड़ी मोहलत मांग लूंगा। वे मुझे मना नहीं करेंगे। यों बहस और पशुपेश में पखवाड़े का अंतिम क्षण भी बीत गया। माया का भगत अपनी जिद पर उसी तरह अटल था, मगर महात्मा पर नजर पड़ते ही उसकी सारी दृढ़ता जाती रही। आदमी को देखकर आदमी के कलेजे में कभी ऐसी आग ना भड़की थी। उसकी आंखों के सामने उसकी समूची दुनिया धूं धूं करके जल रही थी। महात्मा उसके करीब आकर कहने लगे, पगले व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। समय अपनी चाल से चलता रहा और तू हाथ मलता रह गया। अब पारस तुम्हें लौटाना ही होगा। वह संत के पांव पकड़कर खूब गिड़गिड़ाया। बहुत मिन्नतें की। वह बोला, बस थोड़ी मोहलत दे दे। पर संत का दिल नहीं पसीजा। संत बोले, अब एक क्षण भी और नहीं मिलेगा। अब तक समय तेरे हाथ में था, तू उसका लाभ नहीं उठा सका। अब समय हाथ से निकल जाने पर उसका पछतावा निरर्थक है। वह उससे पारस लेकर अदृश्य होने ही वाला था कि भगत का बूढ़ा बाप कमर से बंधी चिमटी निकाल कर बोला, कम से कम चिमटी को तो सोने का बना दो, मैं इसी से खुश हो जाऊंगा। महात्मा अदृश्य हो गया, पर उसकी आवाज सबको सुनाई दी। समय बीत गया, समय बीत गया। समय अनमोल है जो तुमने यूं ही गवा दिया। पारस पाने वाले उस माया के लालची भगत को आज तक इस बात का
इल्म नहीं हुआ कि वह जिंदा है या मर गया।